तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एक और नया टॉपिक, नया चीज कुछ पिक्चर में लाते हैं। बहुत दिन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑल्दो पोटेंशियल फील्ड साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर फिर भी कैपेसिटेंस आएगा पिक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि कितनी बाल्टी में पानी भर सकते हैं, कितना चार्ज कहीं स्टोर कर सकते हैं, कितना तुम मुझे सह सकते हो। चलिए देखते हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस के बारे में। तो यार देखो, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भैया स्फेरिकली होना चाहिए, ये कंडक्टर है, ठीक है, आड़ा टेढ़ा चौड़ा जैसा बनाना हो बनाओ, कंडक्टर मतलब कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो यार चार्ज देने के लिए आपको करना पड़ेगा वर्क, और उसकी वजह से बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप ये कह सकते हैं कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जैसे जैसे चार्ज दोगे वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगा। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी बीच की हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट आता है, और इससे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि ये सी कांस्टेंट है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब कि ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखना। किसी ने बोला भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 1 लीटर की बोतल है, तुम उसमें पानी डालोगे 1 लीटर आएगा। अब तुम सोचो कि मैं काम करता हूं बड़े वाले नल से डालता हूं तो क्या उसमें 2 लीटर आ जाएगा, आएगा तो 1 लीटर ना, क्यों? क्योंकि वो चीज उसकी कांस्टेंट है। वैसे ही किसी कंडक्टर के लिए जो उसकी कैपेसिटी होती है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, कि अपनी झोली में कितना भर सकता है, वो चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करती। तो किस पर डिपेंड करेगी? बड़ी झोली फैला लो तो आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब शेप और साइज पर करेगी, और किस पर करेगी? सराउंडिंग मीडियम। अब अपन ने क्या करा, अपनी झोली के ऊपर ऐसे ऐसे चारों तरफ से साइड वॉल्स बना ली ताकि लीक ना हो कुछ, थोड़ा और भर लोगे तुम उसके अंदर। तो ये डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर और शेप और साइज पर, ठीक है, कभी भी क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता। और ये सी क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कंडक्टर के लिए कैपेसिटी बोल दो, अभी 2 प्लेट्स लगा देंगे, 2 कंडक्टर ले आएंगे तो उसी को अपन बोलने लग जाएंगे कैपेसिटर, और उसका होता है कैपेसिटेंस। बट अभी फिलहाल ये कैपेसिटी है किसकी? कंडक्टर की। Q इज इक्वल टू सी वी, ये पापा हैं कैपेसिटर के। जब भी कहीं फंसते हैं तो याद किसको करते हैं? भाई दोस्तों को तो याद करोगे ही, मगर अल्टीमेटली जब मुसीबत बड़ी है तो पापा ही अपनी नैया को पार लगवाते हैं, ना पीछे से भले ही लात मारे मगर वो तैयार रहते हैं कि जब गिरेगा तो मुझे ही इसको पकड़ना है। तो इसीलिए ये हैं इस चैप्टर के पापा। जहां फंसो किसी भी न्यूमेरिकल में, कहीं पर भी, कहीं कोई डेरिवेशन में, छोटे मोटे फॉर्मूलाज में, यही तुम्हारी मदद करेगा। Q इज इक्वल टू सी वी, F इज इक्वल टू क्यू ई पहला रटवाया था, W इज इक्वल टू क्यू वी दूसरा रटवाया था, तीसरा दिमाग में बैठा रहा हूं, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, बस इससे ज्यादा नहीं है ना। अब ऐसा यूनिट को देखो, फैराड इसकी यूनिट है, कूलम पर वोल्ट, जिसको अपन सर फैराडे के लिए फैराड बोलने लग गए हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है। अभी मैं तुमको थोड़ी देर के अंदर ये बताने वाला हूं कि अगर अर्थ के साइज का कंडक्टर भी तुम ले लोगे तो उसकी कैपेसिटी होती है 711 माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड भी नहीं, अर्थ के बराबर, 6400 किलोमीटर रेडियस का। इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी यूनिट है। इसीलिए अपन लोग, तुम लोग भूल जाते हो, इसीलिए मिली को मिलवा देते हैं तुम्हें, 1 मिली फैराड 10^-3। वैसे मिली क्या तुमको है बेटा? मिली के चक्कर में गए ना तुम, तो ऐसा ना हो कि टर्म 1 गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए अभी सिर्फ ये वाले मिली को मिलो, है ना। 1 मिली फैराड इज 10^-3 फैराड, 1 माइक्रो फैराड इज 10^-6 फैराड, 1 नैनो फैराड इज 10^-9, एंड 1 पिको फैराड इज 10^-12 फैराड। तो ये हमारे पास हैं एसआई यूनिट, और ये कुछ प्रीफिक्सेस के साथ है। माइक्रोफैराड का मतलब ये नहीं होता कि सीजीएस में चले गए, कई लोगों को यही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। माइक्रो एक छोटा प्रीफिक्स है जो बताना चाह रहा है कि 10^-6 को आप माइक्रो लिख रहे हो, कौन इतना लिखेगा, इसीलिए माइक्रो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद सीजीएस यूनिट स्टैट फैराड होती है, स्टैट कूलम अपॉन स्टैट वोल्ट, बिल्कुल सिंपल डेटा है। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, अब आप देखो सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन वी, चार्ज का होता है एटी, और मेरे प्यारे तुम्हें पोटेंशियल का तो याद होगा नहीं, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, एक बार निकाल कर देखना, यह आ जाएगा ML2T-3A-1। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यह आ जाएगा M-1L-2T4A2, 1242, 1 2 का 4
4-2 का, बट 4-2 नहीं हुआ ना, 1-2-4 फिर 2 आ गया, कोई बात नहीं, 4 आता तो रिदम बन जाती, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही ढूंढ रहा था कुछ रिदम। तो ये अपने पास हो गया कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के बारे में बेसिक कहानी, और यहाँ आप इंट्रोड्यूस हुए इसके पापा से। पहले ही पार्ट में पापा की एंट्री हो चुकी है, हीरोज अभी बाद में आएंगे, बट Q इज इक्वल टू CV दिमाग में रखना, फेराड की यूनिट याद रखना, और एक ही चीज़ याद रखना, कहीं फंसे तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है, एकमात्र फॉर्मूला जो कैपेसिटेंस निकाल कर देगा या किसी कंडक्टर की कैपेसिटी निकाल कर देगा। चलिए जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन निकालने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये एक आपके सामने सुंदर सा गोल गोल सा बना हुआ है, जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल नहीं है, ये एक्चुअली में एक स्फेरिकल बॉडी है 3D। अभी भगवान करे टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ जाए कि बोर्ड से निकल निकल के चीज़ें आने लगें, तो वो और मज़ा आने लगेगा। एनिमेशन वैसे वो वाली बात नहीं कर रहा, वो तो किसी के पास है, अपन को तो इसी के अंदर चाहिए। आ जाओ बाहर निकल के, तो वो निकल के बाहर आ जाए, समझा दूंगा, है ना, मज़ा आएगा, आएगी टेक्नोलॉजी वो भी आएगी। चलो खैर, तो ये अपने पास स्फेरिकल है, स्फेरिकल में चारों तरफ अपन ने मान लिया कि इस पर अपन ने क्यू चार्ज दे रखा था, इसकी रेडियस है आर, आपसे कहा गया इसकी कैपेसिटी निकाल के लाओ। भैया स्फेरिकल कंडक्टर है, याद रखना स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, कंडक्टर है। भैया सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे अटक जाओ, क्यू इज इक्वल टू CV, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू वी, वी की जगह पर। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, पुराना, जस्ट पुराना वाला वीडियो देखोगे, इसके पहले वाले एक या दो वीडियोस, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि कंडक्टर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस आर रख देते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास आता है वो आता है 1/4πε0Q/distance, डिस्टेंस से रेडियस, क्यू से क्यू कैंसिल, आंसर आ गया 4πε0R। अगर मीडियम आ जाएगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम ने इसको कवर करके रखा हुआ है, तो यहां पर एक चीज आ जाती है के, एप्साइलन नॉट का दोस्त है एप्साइलन आर, उसकी जगह पर के भी लिखा जा सकता है, यह कहलाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मीडियम आ गया तो अब हम ऐसा याद नहीं रखेंगे, 4πε0 यहां पर आ रहा है ना, तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती थी, 1/4πε0 की वैल्यू होती थी हमारे पास 9×10⁻⁹, तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9×10⁹। ये फॉर्मूला ही मैं बार बार MCQs में यूज करूंगा, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, और स्फेरिकल कंडक्टर का ये फॉर्मूला बैठ गया तो अभी आने वाले जो MCQs हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे दिमाग में बैठ जाएंगे। जल्दी से इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। चलिए, तो मैंने कहा था ना अर्थ के बराबर अगर कंडक्टर है, अर्थ नहीं है, अर्थ की तो अपने पास थ्योरेटिकली इंफिनिटी होती है, अर्थ के साइज का कंडक्टर है जिसकी रेडियस अर्थ की अपन मानते हैं 6400 किलोमीटर, तो अगर 6400 किलोमीटर रेडियस का एक कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा था ना, अभी फॉर्मूला दिया था मैंने जस्ट पहले, सी इज इक्वल टू आर अपॉन 9×10⁹, यानी 4πε0R, तो जैसे ही R की वैल्यू रखोगे 6400 किलो, किलो हटाओ 10³ लगाओ, तो जैसे ही 6400 को 9 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 711.11111, ठीक, और 10³, 10⁹, 9 ऊपर जाकर 3-9 बन जाएगा 6, और इसको अपन लिख सकते हैं माइक्रो, 711 माइक्रो फेरेड इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज इक्वल टू अर्थ रेडियस, है ना, मतलब अर्थ के बराबर साइज का था। इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी जो कि किसी कंडक्टर के अंदर स्टोर होगी जब अपन उसको चार्ज देंगे। तो यार एक चीज याद करो, हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/Q, W क्या है, वर्क, एनर्जी, तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा QV, ये मैंने तुम्हें बहुत बार रटवाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि Q इज इक्वल टू CV है
और क्यू और वी के बीच में चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी पावर वन के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन और इसकी स्लोप आ जाएगी आपके पास क्या, इसकी स्लोप आ जाएगी आपके पास कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया कि अगर Q और V का ग्राफ है तो उसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी स्लोप रिप्रेजेंट करेगी कैपेसिटी। और अभी आगे बढ़ने के पहले एक क्वेश्चन और तुमको इसी के साथ बता देता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ दिया हुआ और आपको बताना है कौन से वाले केस में कैपेसिटेंस ज्यादा है, ए में का या बी का। तो यार स्लोप, स्लोप क्या है, अभी मैंने तुम्हें बताया Q इज इक्वल टू सी वी, ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो ये स्लोप है, जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा। किसकी स्लोप ज्यादा है, a की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब है ये आंसर है सी ए इज ग्रेटर देन सी वी। अगर आप यहां पर कई बार एग्जाम में क्या करेंगे वो ऐसा कर देंगे, ग्राफ दे देंगे v और q के बीच में, तो अब जो स्लोप आएगी वो स्लोप हो जाएगी आपके पास 1/c। क्यों, क्योंकि ये आपके y एक्सिस पर है, तो v इज इक्वल टू q बाय सी, तो ये आ गया y एक्सिस पर, ये आ गया x एक्सिस पर, तो स्लोप हो गई आपकी 1/c। तो याद रखना अगर ऐसा दिया है तो आंसर उल्टा हो जाएगा, cb इज ग्रेटर देन ca, जिसकी स्लोप कम उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। बट अगर ऐसा ही है q और v का तो सिंपली ये आंसर आ गया। ये दिमाग में बिठाने का है अपन को, इनफैक्ट अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले ही लो। चलो तो अब अपन बढ़ जाते हैं आगे, है ना, ये तो आ गया समझ में Q इज इक्वल टू सी वी का। इसके बाद Q और V का जो ग्राफ था, इस ग्राफ का एरिया लेंगे, एरिया का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो भी इस एक्सिस पर है, जो भी इस एक्सिस पर है, उनका प्रोडक्ट होता है एरिया, तो Q इंटू वी हो जाएगा। और क्यू वी एक्चुअली में वर्क डन यानी एनर्जी देता है अपन को, इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया तुम निकाल के लेके आओगे वो एरिया अपन को देगा एनर्जी जो कंडक्टर के पास आई, तो एनर्जी कितनी स्टोर करी कंडक्टर ने। तो अगर तुम इसकी हाइट को देखो तो ये हाइट तुम्हारे पास है क्यू, और तुम्हारे पास अगर ये बेस देखो तो ये वी, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो ये आ गया हाफ क्यू वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर में भी यही फॉर्मूला आता है। अगर मैं तुमसे उस समय कहूं कि भाई उसी फॉर्मूले को याद कर लो तो ये याद रखने के लिए सेम है। कैपेसिटर में लंबा थोड़ा सा डेरिवेशन होता है, नहीं करेंगे हम डेरिवेशन, हम तो ग्राफिकली समझ लेते हैं हाफ क्यू इंटू वी। अब आप चाहो तो क्यू की जगह पर रख सकते हो सी वी, जैसे ही यहां पर क्यू की जगह पर आप सी वी रखोगे ये, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैंने यहां पर V की जगह पर, अगर आप गौर से देखो तो मैंने V की जगह पर रख दिया है Q बाय सी, जैसे ही V की जगह Q बाय सी रखा तो ये फॉर्मूला आ गया हाफ Q इंटू क्यू बाय सी, यानी हाफ Q स्क्वायर बाय सी। ये फॉर्मूला आपका है Q और V के टर्म्स में, ये फॉर्मूला है C और V के टर्म्स में, ये फॉर्मूला है Q और C के टर्म्स में, हर एक का अपना यूज है। यहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, अगर चार्ज कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटेंस। तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले आ गए। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बट उसके पहले ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। वापस तो यार जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को निपटा देते हैं, अब तुम्हारे लिए ये सब क्वेश्चन हलवा हो चुके हैं। इफ अ रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर, इफ द कैपेसिटेंस इज, मतलब स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करनी है अगर कैपेसिटेंस दे रखा है तो। कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको, आर अपॉन 9 × 10⁻⁹। जैसे ही यहां पर सी की वैल्यू रख दो 1/9, क्योंकि दे रखी थी और फैराड में बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये 9 से 9 जो है ये कैंसिल हो गया, और जैसे ये 9 से 9 कैंसिल हुआ 10⁻⁹ उधर चला गया, आंसर आ चुका है आपके पास
10^9 मीटर, आई डोंट थिंक सो, ये लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जितनी वैरायटी मिलेगी वो अपन आगे प्लेज के बाद भी करते रहेंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल क्यू अपॉन वी क्या आएगा। तो अपन ने अभी तो पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू सी वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू सी वी के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन वी क्या आ जाएगा, सी, यानी कि कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, बाकी कुछ की तो बात ही नहीं करी भैया, सीधे सीधे लगा दो, क्या है आंसर, कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग एन इक्वल चार्ज क्यू आर कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर। इन दोनों पे पहले सेम चार्ज था, अब आपने एक की रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है आपके पास 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो किस पे ज्यादा चार्ज होगा। पहली बात तो जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज सेम नहीं होता, जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होना शुरू होता है, तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब है कि अगर आप देखो यहां पर तो Q इज इक्वल टू सी वी होता था, अगर V कॉन्स्टेंट है तो Q इज प्रपोर्शनल टू C हो गया, और अगर Q प्रपोर्शनल टू C हो गया और C को अपन जानते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, मतलब कि जिसका R ज्यादा उसका C भी ज्यादा और जिसका C ज्यादा उसका Q ज्यादा। किसका R ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर वाले का R ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उस पर चार्ज भी ज्यादा होगा, चार्ज ऑन 25 स्फीयर विल बी ग्रेटर देन ऑन ग्रेटर देन दैट ऑन द 20 सेंटीमीटर स्क्वायर स्फीयर। बाकियों को देख लो, ये 20 बोल रहा था गलत, बोथ स्फीयर्स विल हैव द सेम, नहीं गलत, चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी गलत, आंसर आ जाएगा आपके पास सी। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था, पोटेंशियल सेम होंगे, ये ध्यान रखना था जब भी मेटल से कनेक्ट करो दो चीजों को, चार्ज तब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। वापस चलो, तो लास्ट क्वेश्चन और अली कर दो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर विल बी 1 माइक्रोफेरेड। सी दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड का मतलब हो गया 10^-6 फेरेड, सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी की वैल्यू रख दी 10^-6, 1/9 × 10^9 × r, 9 उधर चला गया, -6 + 9 ये आ जाएगा प्लस का 3, आंसर आ गया 9 × 10^9, यानी कि 9 किलोमीटर। बहुत बढ़िया आंसर ए ही मिल गया अपन को, बाकी जगह तो मीटर 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 था और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी तो मीटर में मिलने वाली नहीं है, किलोमीटर में ही मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जो अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है कैपेसिटी की, अब ये कहानी बहुत दूर तक जाने वाली है। तो इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट में, जहां पर अपन बहुत सारी छोटी 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 बूंदों को कंबाइन करेंगे और एक बड़ी बूंद बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट है, रेडियस पे क्या इफेक्ट है, मगर वो सब नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है, बाबा जी की एनर्जी को भी हाई बनाकर रखो, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।